फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा दास शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ माय मेकअप किट फॉर बिगनर्स। और ये मेरे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इनिशियली, इसमें से कुछ प्रोडक्ट तो मैंने इनिशियली जब मेकअप करना सीखा था तब से मैं परचेज कर रही हूँ और यूज कर रही हूँ। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं इसमें जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी फॉर बिगनर्स जो अपना नया नया मेकअप किट बना रहे हैं, चाहे वो उनकी शादी होने वाली है इसीलिए बना रहे हैं या फिर आप इनिशियली मेकअप सीखते हुए बना रहे हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा मेकअप किट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यू कैन सी। सो चलिए मैं वन बाय वन अपने प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको इनमें से क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो मस्ट हैव हैं, अफोर्डेबल। कुछ प्रोडक्ट मैंने अफोर्डेबल भी लिए हैं, कुछ मैंने ऑप्शनल भी लिए हैं जो आप चाहे तो बजट हो तो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। तो फेस मॉइस्चराइजर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मेकअप। सो आप ना, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना तो भी मॉइस्चराइजर रिक्वायरमेंट होता है, और अगर आपकी ड्राई नहीं है, नॉर्मल टू ऑयली है, फिर भी आपको स्किन को मेकअप से पहले मॉइस्चराइज करना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, और ये एक 100 रुपीज की क्रीम है जो 50 ग्राम क्वांटिटी के साथ आती है, और इसमें एक्स्ट्रा 30% भी है, यानी कि ये 65 ग्राम टोटल आती है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है, आप अपनी वैनिटी में सब एज अ परमानेंट रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई जेल क्रीम लेनी है तो आप जेल क्रीम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो है मेरा मेकअप फिक्सर। जी हाँ, मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपके पास कोई भी मेकअप फिक्सर नहीं है और आपको नहीं पता मेकअप फिक्सर क्या होता है, तो जब भी आप बेस मेकअप सेट करते हैं तो आप एक स्प्रे बॉटल होती है जिससे आप स्प्रे छाटते हैं अपने फेस पर, और उससे वो मेकअप लंबे टाइम तक स्टे करता है। और अगर आप अपनी शादी के लिए मेकअप किट बना रहे हैं तो दिस इज मस्ट हैव, एंड दिस इज लोटस मेकअप फिक्सर। तो ये आपको लॉन्ग लास्टिंग होल्ड करता है, ऑल स्किन टाइप है, ऑयल फ्री बनाता है आपके फेस को और वेटलेस बनाता है। और साथ ही उसके बाद मैं बता देती हूँ इसका जो प्राइस है वो है 475। सो ये बहुत अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर है, तो बिगनर जो अभी अभी नया मेकअप किट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट में ये दिस इज द बेस्ट मेकअप फिक्सर। इसकी बूंदें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं, तो आप इसे थोड़ा कंपैरेटिवली अदर मेकअप फिक्सर के दूर से अगर आप इसे अपने फेस पर स्प्रे करते हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और ये 70 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, वेजिटेरियन है, क्रुएल्टी फ्री है। सो लोटस के प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट करूंगी फॉर मेकअप, इट्स प्राइमर, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी लोटस इकोस्टे परफेक्टिंग प्राइमर। ये एक ऐसा ब्लर परफेक्टिंग मेकअप प्राइमर है जो आपकी स्किन को, ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, इसे ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले सभी लगा सकते हैं। सो आपको ये ऑल सीजन में वर्क आएगा, इसीलिए मैं इसे बिगनर्स को इसी प्राइमर को सजेस्ट करूंगी। और प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक बैरियर होता है जो कि आपके फाउंडेशन और आपकी स्किन के बीच में एक दीवार का काम करता है जो स्किन को हार्म नहीं बनाने देता और आपके पोर्स को ब्लर करता है ताकि फाउंडेशन आपकी स्किन के अंदर ना जाए और नुकसान ना करे। सो इसीलिए प्राइमर इज मस्ट, और इसका प्राइस 695 है। और प्राइमर्स जो है ना ऐसे उतने अफोर्डेबल नहीं आते हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो आप इनिशियली प्राइमर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, लाइक दो तीन तीन साल तक चलते हैं, तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करें और एक ही इन्वेस्टमेंट करें। सो मैं इसे सजेस्ट करूंगी, और ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी फाउंडेशन। जी हाँ, अगर आपको शादी पार्टी का मेकअप करना है तो आपको फाउंडेशन इज मस्ट हैव। सो अगर आप ना ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले हैं तो फिर आपको फाउंडेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट मूस फाउंडेशन। दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन। इसका जो प्राइस है वो 700 है, ये क्वाइट अफोर्डेबल नहीं है, बट अगर आप एक बार इसे यूज करने लग जाएंगे तो आप किसी और फाउंडेशन पे स्विच नहीं करेंगे। सो ये तो हुआ। आप इसे ना दिसंबर और जनवरी में यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सर्दियों में जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, अदरवाइज ये पूरे ईयर सभी स्किन टाइप वालों के लिए काम आता है। ये स्किन में बहुत अच्छे से बैठ जाता है और ये मैटिफाई करता है, और ये इस तरह से फाउंडेशन है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। सो ये हाईली सजेस्टेड प्रोडक्ट है फॉर बिगनर। उसके बाद बात करते हैं अफोर्डेबल फाउंडेशन की। तो अफोर्डेबल फाउंडेशन में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी दिस इनसाइट कंसीलर फाउंडेशन। ये मैंने लिया था 220 रुपए में, बट आई थिंक ये अब बढ़ के 230 या 240 का हो गया है। सो दिस इज द बेस्ट, और इसका डेमो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और मैं इतना अफोर्डेबल आपको फाउंडेशन इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इनिशियली जब आप नया नया मेकअप करना सीखते हैं काफी चीजें वेस्ट होती है, खराब होती है, और ये जो फाउंडेशन है ये स्किन पर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली हो या कोई भी स्किन हो। इसे आप हाथ से
फैला सकते हैं अपने फेस पर, ऐसे आप स्पंज से यूज कर सकते हैं, आप मेकअप फाउंडेशन ब्रश से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज बेस्ट फाउंडेशन फॉर अफोर्डेबल और बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है, तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ये सजेस्ट करूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी आप लोगों को फॉर बेस मेकअप, फॉर एवरीडे मेकअप, दिस इज द पोंड्स बीबी क्रीम। आप कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम सूट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, बट मेरे सजेशन में आप बीबी क्रीम लेवें। और ये पोंड्स का फ्लॉलेस रेडिएंट डर्मा बीबी क्रीम है विद एसपीएफ 30 पीए डबल प्लस आता है। मैंने अपने लिए बेज शेड लिया है, आई थिंक इसमें दो इसमें एक और शेड आता है, सो आप चाहे तो वो परचेज कर सकते हैं। दिस इज द पोंड्स बीबी क्रीम और ये आता है करीबन 300 रुपये में, आई थिंक, वेट अ मिनट, जी हाँ 375 रुपये का ये प्रोडक्ट है। 25 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, सो मैं इसे सजेस्ट करूंगी फॉर एवरीडे पर्पस, या फिर आपको नॉर्मल डे मेकअप करना हो किसी भी छोटे छोटे फंक्शंस के लिए तो उसमें आप इस बीबी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट आता है वो आता है फॉर ऑफकोर्स बेस मेकअप सेट करने के लिए। सो बेस मेकअप सेट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी दिस इज द एसक्यू लूज पाउडर, और ये ना 350 रुपये का ही है। काफ़ी सारे लूज पाउडर हैं जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं, सो उसके बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। और ये ना स्किन के कलर का आता है, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, सो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे पाउडर ब्रश से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक मेकअप को सेट करेगा, और अगर आप इसे स्पॉन्ज से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कवरेज भी देगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे से स्किन में बैठ जाता है, ब्लेंड हो जाता है, जिससे कि आप है ना आराम से अपना बेस मेकअप रेडी कर सकते हैं, और इसे आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं विदाउट मेकअप भी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। और अगर फिर भी आपको और नेक्स्ट प्रोडक्ट में आपको सजेस्ट करूंगी अफोर्डेबल लिक्विड फाउंडेशन। जी हाँ, मैंने यहाँ फाउंडेशन आपको तीन बता दिए, क्योंकि ये बिगनर मेकअप किट है, तो बिगनर मेकअप किट में आपके पास तीन ऑप्शन एटलीस्ट मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप चाहे उसमें से जो परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है मेरा लैक्मे इंडिविजिबल फिनिश फाउंडेशन विद एसपीएफ 8 आता है ये। इसका जो शेड मैंने अपने लिए लिया है वो 02 लिया है, और इसका जो प्राइस है वो 250 रुपये है, तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है। और ये इस तरह से लिक्विड फॉर्मेट में आता है, स्पैचुला के साथ आता है, सो ये आपको इनिशियली बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली मॉनसून सीजन, समर सीजन और विंटर्स में भी ये बहुत अच्छा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये ना आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बैठ जाता है, तो दिस इज मस्ट है, और ये वाटर प्रूफ भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अफोर्डेबल बेस मेकअप सेट करने के लिए भी और एवरीडे मेकअप विदाउट मेकअप आप इसे यूज कर सकते हैं, दिस इज द लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट। और ये एक ही शेड में आता है, तो आपके पास शेड ऑप्शन का भी ऑप्शन खत्म हो जाता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सो आप इससे परचेज कर सकते हैं। ये 220 रुपये में आता है, अफोर्डेबल 7 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है, अल्ट्रा मैट फिनिश देता है, एसपीएफ 40 है इसमें, यूवीए यूवीबी है, और पीए ट्रिपल प्लस है, सो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूंगी। और ये आता है इस तरह से मिरर के साथ विद स्पॉन्ज, सो आप देख सकते हैं दिस इज द शेड, और ये सभी स्किन टाइप के शेड पर चल जाता है, सो ये हाईली प्रोडक्ट है क्योंकि अफोर्डेबल भी है, और साथ ही आपको अपने लिए पर्टिकुलर कोई शेड का कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, आप इसे और आप इसे बिना मेकअप के यूज कर सकते हैं, और मेकअप सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है फॉर्म कलर बार कॉन्टोरिंग पैलेट। ऑब्वियसली बेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद आपको अपना फेस कॉन्टोर करना पड़ता है, हालांकि ये ऑप्शन है बिगनर्स के लिए, इट्स नॉट अनेसेसरी। पहले अगर वो बिगनर्स अगर बेसिक मेकअप सीख लें, लगा लें, तो उनके लिए सही है, और अगर आपको ऑलरेडी आता है मेकअप करना ऑलरेडी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। और ये कॉन्टोरिंग ब्लशिंग ये सारे ना पार्टी मेकअप लुक, फेस्टिवल मेकअप लुक, या फिर शादी ब्राइडल्स में ही ज़्यादा काम आते हैं। मैं एवरीडे मेकअप में ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकती, या फिर डे मेकअप में नहीं करती हूँ, और इसीलिए मैं कलर बार का कॉन्टोर पैलेट सजेस्ट करूंगी। ये 850 रुपये का है, अफोर्डेबल तो नहीं है, बट एक ही चीज़ में आपको दो चीज़ें मिल जाती है, और आप इसको कॉन्टोर को आप एज अ लाइट मेकअप भी लगा सकते हैं, एज अ डार्क भी लगा सकते हैं, सो आप इसे दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक हाईलाइटर है जो कि आपकी आईज की इनर कॉर्नर, ब्रॉ बोन और फिर आपकी चिक्स को दो भी हाईलाइट करने के काम आता है। सो इसके साथ कोई ब्रश नहीं आता है, आपको अलग से ब्रश कैरी करना पड़ेगा। सो उसके अलावा आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑब्वियसली मैं बताऊंगी आपको ब्लश का। सो ब्लश में आप लोगों को शुगर का सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है, इसकी जो प्राइस है वो 250 से 60 रुपये ही है। जी हाँ, इस पर प्राइस लिखा नहीं हुआ है, बट ये 300 के अंदर अंदर ब्लश है, तो इसमें आप जा सकते हैं क्योंकि ब्लश ऐसे उतना ज़्यादा काम नहीं आता है, तो ब्लश के लिए 700, 800, 900 रुपये
इन्वेस्ट करने का कोई वो औचित्य ही नहीं रहता है। सो मैं आपको शुगर का ब्लश सजेस्ट करूंगी, ये बहुत अफोर्डेबल है। मैंने यहाँ शेड लिया है 02 पिंक पिनेकल, क्योंकि मैंने ये डार्क शेड परचेज किया है, कि मैंने डार्क शेड इसलिए परचेज किया क्योंकि मेरे पास अभी ये फर्स्ट जो ब्लश था मैंने यही परचेज किया था। और मैंने लाइट और डार्क तो हम फिर भी कर सकते हैं, बट अगर डार्क चाहिए तो लाइट को डार्क नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए मैंने इसे परचेज किया है और ये बहुत अच्छा है। इसका डेमो मैंने किया है अपने चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो ब्लश में ये सजेस्ट करूंगी। उसके बाद मैं आपको आईब्रो पेंसिल सजेस्ट करूंगी फ्रॉम लैक में। ये 40-60 रुपीस की आईब्रो पेंसिल है और बिगनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है या जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने मेकअप की, उनके लिए बेस्ट है। अब जब आप बिगनर्स आई मेकअप लगाना सीख जाते हैं तब आपको अच्छे से ब्रांड में बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है मेरा आई शेडो पैलेट है, आई शेडो पैलेट है फ्रॉम 9 to 5 आई शेडो पैलेट, और इसमें और भी वेरियंट आते हैं, बट मैंने लिया है रोज मैंने शेड लिया डेजर्ट रोज। जी हाँ, ये 450 से 550 के बीच में आ जाता है। आफ्टर डिस्काउंट आप डिस्काउंट में ऑफर से ऐप से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 शेड है जो कि आपकी कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग एंड ब्लशिंग के भी काम आ सकता है। उसके साथ साथ ये इसमें सारे शेड है जो कि आपको एज अ शादी पार्टी या फिर एवरीडे मेकअप के लिए काम आ सकते हैं। सो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी। और इसके अलावा जितने भी पैलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 1000 से ऊपर की तरफ उनकी कॉस्टिंग जाती है। सो इनिशियली मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा मेकअप सजेस्ट करूंगी मैं आपको, वो मैं करूंगी आपको आईलाइनर। जी हाँ, मैं आईलाइनर सजेस्ट करूंगी आपको NYB का। ये मात्र 150 रुपए का है, जो आफ्टर डिस्काउंट मुझे 50% 75 रुपीस का मिला था। ये वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट ये काम लगभग वैसा वाटरप्रूफ का ही करता है, बिना मेकअप रिमूवर के रिमूव नहीं होता है। और कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का मेकअप रिमूवर तो ये आईलाइनर रिमूव कर भी नहीं सकता है। सो मैं इसे सजेस्ट करूंगी। और इसमें ब्रिसल्स बहुत ही पतले और थिन होते हैं, सो आपको इसको इनिशियली लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन सी दिस इज द ब्रिसल्स ब्रश, और ये काफ़ी लंबा है, तो इससे आप कितना भी पतला और कितना भी मोटा आईलाइनर लगा सकते हैं। सो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूंगी। ये तो मैं हर बंदे को सजेस्ट करूंगी, चाहे वो बिगनर मेकअप हो या प्रोफेशनल हो या फिर किसी मीडियम जिसको भी मेकअप करना आता है। तो इसका तो मेरे पास एक ऑलरेडी बैकअप भी पड़ा है। सो इसको ये खत्म होने के बाद भी मेरे पास सेम ब्रांड का है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी काजल। काजल मैं आपको यहां 2 सजेस्ट करूंगी। एक मेरा फेवरेट जो मैंने इनिशियली बिगनर एज अ बिगनर परचेज किया था, वो मैंने परचेज किया था फ्रॉम लैक में आइकॉनिक ब्लैक काजल, और ये मैं सजेस्ट करूंगी। और ये मैं इतना ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूं, काफी सारा इसमें फिनिश हो चुका है। सो उसके अलावा मैं इसको, मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है इसका, मैं इसका ड्यूअल पैक ही परचेज करती हूँ हमेशा। सो दिस इज द काजल और लैक्मे का आइकॉनिक काजल, 250 रुपए में आता है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट काजल, मुझे अफोर्डेबल एज अ बिगनर लगता है, क्योंकि मैंने इसके 6 से 7 पैक तो खत्म किए ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो काजल आप इसे एज अ आईलाइनर लगा सकते हैं, एज अ काजल लगा सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट काजल आपको सजेस्ट करूंगी लोटस इकोस्टिस है, क्योंकि ये 450 से 500 के बीच में आ जाता है, और ये हर्बल काजल है, लोटस के प्रोडक्ट हर्बल होते हैं। सो आप इससे एज अ आईलाइनर लगा सकते हैं, एज अ काजल लगा सकते हैं, और ये बहुत हाईली पिगमेंटेड काजल है। सो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूंगी। और अगर आपको आपका बजट अलाउड करता है ना, तो दिस इज बेस्ट काजल एवर, क्योंकि काजल बहुत ज्यादा काम आते हैं इनिशियली। उसके बाद मस्कारा मैं आपको एज अ बिगनर सजेस्ट करूंगी लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। क्यों? क्योंकि ये जो मस्कारा है ना, वो थोड़ा सा कर्व इसके साथ आता है, यू कैन सी। सो ये इसको लगाने में आसानी रहती है। और उसके अलावा ये 250 रुपए का ही आता है, तो ये बहुत अफोर्डेबल है। और एज अ बिगनर बड़े मस्काराज में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इनिशियली बहुत चीज़ें वेस्ट होती है लगाते लगाते सीखते सीखते, और मेकअप जो होता है वो कुछ चीज़ें आईलाइनर हुआ, मस्कारा, लिपस्टिक, ये सब प्रैक्टिस से ही आते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अफोर्डेबल है, अगर वेस्ट भी हो जाता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सजेस्ट करूंगी कि नेल पेंट्स। जी हाँ, मैं नेल पेंट सबसे पहले सजेस्ट करूंगी L18 की। L18 नेल पेंट मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि मात्र 50 रुपए की, और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप इनिशियली जब लगाना सीख रहे हैं तो आप इन पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप
तीन से चार कलर्स परचेज कर सके, और अगर बिगड़ भी जाती है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरी मोस्ट फेवरेट, अगर आप एज अ ब्राइडल बिगनर मेकअप कलेक्ट कर रही हैं तो आपके लिए नायका की जो नेल पेंट है वो बेस्ट है, क्योंकि ये 179 रुपीज की आती है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप घर में काम करेंगे या फिर किसी और काम में अपने हैंड्स को यूज करते हैं तब भी ये इतना जल्दी खत्म नहीं होती है, नेल से नहीं हटती है। सो मैं इसे सजेस्ट करूंगी, और इसमें आपको मैं दो कलर सजेस्ट करूंगी, 271, जी हाँ, दिस इज द रेड कलर, एकदम ब्राइट रेड कलर है, और दूसरा मैं सजेस्ट करूंगी आपको 270 नंबर, क्योंकि ये एक रानी कलर है तो रानी कलर मिक्स पिंक कलर है। सो मैं इसे सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये जो काम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंटली काम आता है, क्योंकि दो कलर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं मेकअप ब्रशेस की। फॉर बेस मेकअप, बेस मेकअप के लिए मैं आपको दो चीज़ें सजेस्ट करूंगी, एक स्पॉन्ज, ये एक लोकल मार्केट से खरीदा हुआ स्पॉन्ज है जो कि मात्र 70 रुपये में मैंने लिया था। इनिशियली आप इसी को परचेज करें, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए स्पॉन्ज से मेकअप करने की, देन आप किसी ब्रांडेड मेकअप में स्पॉन्ज में इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और एज अ बिगनर मैं आपको पाउडर ब्रश के लिए ये नायका का पाउडर ब्रश सजेस्ट करूंगी। इसे आप एज अ पाउडर ब्रश, एज अ ब्लश ब्रश भी यूज कर सकते हैं, और एज अ कॉन्टोर ब्लेंडिंग ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तीनों तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ, और सॉरी ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने इसे यूज किया है। सो इसे आप यूज कर सकते हैं, और ये 250 से 300 के बीच में आ जाता है, सो इसीलिए मैं इसे सजेस्ट करूंगी। सो बेस मेकअप के लिए मैं इसे सजेस्ट करूंगी। उसके बाद आता है आपके पास आई शेडो ब्रशेस, जी हाँ, आई शेडो ब्रश में मैं आपको सिर्फ दो ब्रश सजेस्ट करूंगी, एक रियल टेक्निक का ब्लेंडिंग ब्रश, या फिर आप किसी भी अफोर्डेबल ब्रांड का ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हैं, और एक एप्लीकेशन ब्रश ले सकते हैं। इन दो ब्रश अगर आपके पास है ना तो आपको किसी और आई शेडो ब्रश की जरूरत नहीं है एज अ स्टार्टर, क्योंकि ये जो ब्रश होता है वो इनिशियली यहां से टैप करते हुए एप्लीकेशन में काम आता है, और ये जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो इस जगह पर एज अ ब्लेंडर काम आता है। तो ये दो ब्रश आपके पास मस्ट है, होने चाहिए। आप नहीं भी खरीदते हैं तो जो साथ में शेडो के साथ जो ब्रश आता है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर भी आप अगर एक्स्ट्रा मेकअप लवर हैं तो आप इन दो ब्रश को जरूर परचेज करें, ये दोनों आपको बहुत काम आएंगे। उसके बाद बात करते हैं लिप्स की। सो लिप्स के लिए आपके पास एक लिप लाइनर होना जरूरी है, लिप फिलर ब्रश हो या ना हो, क्योंकि अक्सर लिप्स पे लिपस्टिक लगाते हुए लिपस्टिक मिट जाती है, जिस वजह से हमें इससे सेट करने में आसानी रहती है, और ये मैंने अपनी शादी में 3 साल पहले परचेज किया था, और ये मुझे बहुत काम आता है, स्पेशली चबी लिपस्टिक जो हाईली मैट लिपस्टिक होती है ना उनके कॉर्नर्स को सेट करने के लिए। उसके बाद आपके पास मस्ट है होना चाहिए एक मेकअप रिमूवर, लिक्विड मेकअप रिमूवर, क्योंकि आपके पास अगर वाटरप्रूफ मेकअप है तो आपको लिक्विड मेकअप रिमूवर इज मस्ट है वो, और मैं आपको सबसे अफोर्डेबल मेकअप रिमूवर गार्नियर क्लिंजिंग मेकअप रिमूवर ही सजेस्ट करूंगी। लिक्विड लिपस्टिक पर भी उतना ही वर्क करता है जितना नॉर्मल लिपस्टिक पर, 125 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी और 175 रुपये का है, तो ये बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए मैं वो सजेस्ट करूंगी। उसके बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा मेकअप ब्रश अगर आपको जरूरत है, ऑब्वियसली आप ब्लश लेंगे कॉन्टोर लेंगे तो आपके पास एक ब्लश ब्रश जरूरी है, और मैं आपको नायका का ब्लश ब्रश सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अनादर ब्लश ब्रश बहुत कॉस्टली आते हैं, सो मैं आपको अफोर्डेबली सजेस्ट करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक में मैं आपको रेड लिपस्टिक में सजेस्ट करूंगी सबसे पहले दो, एक चबी लिपस्टिक लैक्मे 925 प्राइम प्लस मैट लिपस्टिक की, ये एक रेड रेबेल शेड है जो कि मस्ट हैव शेड है एज अ बिगनर, और दिस इज द शेड। और उसके बाद आपके पास अगर लिक्विड लिपस्टिक में आपको रेड शेड चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फेसेस कैनेडा अल्टिम प्रो से, ये एक 950 रुपये की लिपस्टिक है, रेबेल रेड 07 इसका शेड है, और दिस इज द ऑल्सो रेड कलर, सो ये मस्ट हैव कलर है। सो मैं इसका ये इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है, क्रीमी है, ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। सो एज अ बिगनर आपके पास दो रेड शेड चबी लिपस्टिक या लिक्विड लिपस्टिक में होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक पिंक कलर और एक रानी कलर, मैजेंडा कलर। सो मैजेंडा कलर मैं आपको सजेस्ट करूंगी लैक्मे पॉट लिपस्टिक, क्योंकि ये 300 रुपये की लिपस्टिक है मात्र, जी हाँ, ये 350 रुपये की लिपस्टिक है और लिक्विड लिपस्टिक है। सो मैं आपको इसको हाईली सजेस्ट करूंगी, और दिस इज द लिपस्टिक, और मैंने इसे बहुत लगाया है, ये रेड और रानी के मिक्स का शेड है और बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग टिका हुआ रहता है, 4 से 5-7 घंटे एक्चुअली आराम से टिका हुआ रहता है, सो मैं इसे सजेस्ट करूंगी। एंड आपके पास एक न्यूड लिपस्टिक होना जरूरी है, तो मैं 550 रुपये की न्यूड लिपस्टिक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि
ब्राइडल अगर आप हैं तो आप एज अ डेली पर्पज से ये न्यूड लिपस्टिक लगा सकती हैं, और आप अगर एज अ स्टूडेंट या टीनेजर हैं तो आपके पास एक न्यूड कलर होना चाहिए. न्यूड कलर इज अ मस्ट हैव क्योंकि ये टीनेजर्स पर इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो लिपस्टिक मैं सजेस्ट करूंगी फॉर पार्टी मेकअप, दिस इज द ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिप कलर, क्योंकि ये 110 रुपए की आती है. सो दिस इज द मस्ट हैव, आप इसमें जा सकते हैं ताकि आप इनिशियली जब लिक्विड लिपस्टिक लगाना सीख रहे हो तो ये आपको बहुत काम आएगी. और इस वक्त मैंने यही लिपस्टिक लगाई है, सो आप इसका कलर देख सकते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैट एंड लाइट वेटेड लिपस्टिक. इसके बाद अगर आपको ये भी नहीं परचेज करनी है अलग अलग तरह की लिपस्टिक, तो आप एसक्यू का मिनीज लिपस्टिक का किट परचेज कर सकते हैं. इसे मैं हाईली सजेस्ट करूंगी एज अ बिगनर, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे कलर मिलेंगे. न्यूड मिलेगा, रेड मिलेगा, मरून मिलेगा और रानी कलर मिलेगा. सो आप देख सकते हैं दिस इज द डार्केस्ट कलर. और इसमें मैं आपको दो किट सजेस्ट करूंगी, दोनों के ही स्वेचेज मैंने लिप्स पर दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं उसके बाद परचेज कर सकते हैं. एसक्यू में मैंने किट नंबर 4 और नंबर 6 दोनों का ही रिव्यू बनाया है अपने चैनल पर. तो आई होप ये थे मेरे सारे के सारे लिपस्टिक्स, मेकअप, एवरीथिंग फॉर मेकअप. सो ये थे मेरा मेकअप किट फॉर बिगनर्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी ये बिगनर्स मेकअप किट अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी. तो अब मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.